हेलो एवरीबॉडी, न्यू लेक्चर, न्यू बोर्ड। टुडे वी आर रीस्टार्टिंग आवर सब्जेक्ट ज्योमेट्री विच वी हैड कंप्लीटेड बाय मंथ ऑफ मे। तो जून जुलाई देयर वाज अ ब्रेक एंड वी वर डूइंग अदर सब्जेक्ट। सो वी टेक टुडे द चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर ज्योमेट्री, सर्कल्स। ठीक है, सर्कल का नाम सुन के लोग थोड़ा डरते हैं। बहुत है, बहुत समझ में नहीं आएगा, बहुत डिफिकल्ट सम्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और सर्कल में से बहुत सारी चीजें ओमिट भी किए हैं। ओमिट क्या चीज किए हैं मैं आपको बाद में बता दूंगा, कि वो एंडिंग में है। स्टार्ट में मैं जो भी लेक्चर ले रहा हूँ अभी, तो वो भी ओमिट नहीं है। जाते आते फाइनली मैं आपको बता दूंगा कि क्या ओमिट है। ठीक है, तो बिफोर कमेंसिंग अभी के लेक्चर, आप जो स्टडी करने वाले हैं अभी के लेक्चर, उसके बेसिक स्टडी करते हैं। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको ABCD जो KG में आपने सीखा है, वो ABCD आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने सर्कल सीखा था तो आपने बहुत सारे टर्म्स सीखे थे। लेट मी जस्ट रिविजिट द टर्म्स। सर्कल से रिलेटेड जो टर्म थे, दैट वाज रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, साथ में सेकेंड और टेंजेंट भी आपने सीखा है। पर आज आप सेकेंड और टेंजेंट थोड़ा सा डिटेल में उसको स्टडी करने वाले हैं, तो इसके लिए मैं सेकेंड नहीं ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ। एक सर्कल है, आप सेंटर पे एक कंपास रखते हो, एक पॉइंटर रखते हो और एक राउंड बनाते हो, तो दैट इज सर्कल। सर्कल का डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। यहाँ पे कहीं भी आप पॉइंट पे रखोगे तो इट विल बी इक्वल टू, ये जो पॉइंट है उससे इक्वल डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा, ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा, ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस इक्वल है, दैट इज कॉल्ड रेडियस, दैट इज कॉल्ड रेडियस। उसके बाद रेडियस का डबल, इसके सेंटर से पास होते हुए आपने एक लाइन बनाया, समझो दिस इज AB, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डायमीटर। ठीक है, डायमीटर। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। सर्कल के ऊपर दो पॉइंट आपने टच करके एक सेगमेंट बनाया, दैट सेगमेंट इज कॉल्ड एज कॉर्ड। तो यहाँ पे PQ कॉर्ड हो गया, और बाय डेफिनेशन वी आल्सो से दैट AB इज आल्सो द कॉर्ड, और हम ये बोलते हैं कि डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो आपको आपको दो तीन पॉइंट मिल गए। एक तो रेडियस क्या है, एक डायमीटर क्या है, डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। एक कॉर्ड क्या है, डायमीटर भी इज अ कॉर्ड, एंड डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस एंड डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये आपने स्टडी किया, फाइन। आगे देखते हैं दूसरे पॉइंट्स क्या, सर्कल का आपका रिवीजन होगा। देन देयर आर आल्सो थ्री टर्म्स। फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सेकेंड इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। थर्ड इज इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ठीक है, तो आपका कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दो सर्कल ऑफ द सेम रेडियस, टू सर्कल्स हैविंग सेम मेजर रेडियस, ये अगर 5 सेंटीमीटर का है, ये भी अगर 5 सेंटीमीटर का है, तो यू विल से दैट द टू सर्कल्स आर कॉमन। यू विल से दैट द टू सर्कल्स आर कॉमन। ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स।
then you have concentric circle, two circle having the same center, two circle having the same center. ये एक circle है जिसका center ये है, यहीं पे center रख के आपने एक और circle बनाया, okay? यही सेंटर से एक और सर्कल बनाया अलग मेजरमेंट के रेडियस का, यही सेंटर से आपने ये सर्कल बनाया एक एक मेजर एक रेडियस का, तो यू विल कॉल दिस एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, राइट? एंड देन यू हैव इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, यू हैव इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, ये सर्कल है, ये सर्कल इसको दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग सर्कल, that is what is called as intersecting circles. तो यहाँ पे एक revision part हो जाता है congruent circle, दो circle जिसके दो अलग-अलग circle जिसका radius equal हो, that is what is called congruent circles. Then you have concentric circle, दो circle जिनका center common हो, that is what is called concentric circle. And intersecting circle, two circles which are intersecting in two distinct points, that is called as intersecting circle. ठीक है, वी प्रोसीड फर्दर व्हाट वी हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड रिगार्डिंग क्वार्ड. आपने क्वार्ड स्टडी किया, क्वार्ड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टी स्टडी किया था. एक सर्कल किया था परपेंडिकुलर ड्रॉन, ये आपका सर्कल है, ये सेंटर है, ये क्वार्ड है एबी. तो आपने स्टडी किया था परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द क्वार्ड, बाइसेक्ट द क्वार्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द क्वार्ड, बाइसेक्ट द क्वार्ड. मतलब ये कि ओपी अगर क्वार्ड है और ओपी अगर परपेंडिकुलर है एबी को, ओपी अगर क्वार्ड है, ओपी अगर परपेंडिकुलर है एबी को, तो एबी जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. अगर एबी अगर 10 सेंटीमीटर का है तो एपी 5 सेंटीमीटर का होगा और पीबी भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा अगर ये परपेंडिकुलर है तो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो. तो ये कब से प्रॉपर्टी स्टडी किया था, परपेंडिकुलर टू द क्वार्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द क्वार्ड, बाइसेक्ट द क्वार्ड आपने स्टडी किया था. ठीक है, और दूसरे और प्रॉपर्टीज आपने स्टडी किया था, क्वार्ड्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट, क्वार्ड्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये सर्कल है, ये क्वार्ड है एबी और ये क्वार्ड है पीक्यू, ठीक है, और ये सेंटर है, ये और ये दोनों इक्वल है. मतलब ये दोनों क्वार्ड जो है एबी और पीक्यू जो क्वार्ड है दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बराबरी की दूरी पे हैं. तो अगर दो क्वार्ड सेम सर्कल में, दो क्वार्ड अगर सेम सर्कल में बराबरी की दूरी पे रहेंगे तो दे विल बी कॉन्ग्रुएंट. तो एबी क्वार्ड एबी विल बी इक्वल टू क्वार्ड PQ, quad AB is equal to quad PQ, fine. उसका उल्टा क्या है, यहां पे क्या है, they are equidistant. दूसरा quad क्या है, दूसरा क्या है, if quad AB is equal to quad PQ, अगर ये दोनों quad equal है, अगर ये quad का measurement equal है, अगर ये quad दोनों congruent है, तो दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, दैट इज व्हाट इज इट. ठीक है, तो ये आपने स्टडी कर लिया है, थोड़ा आपका रिवीजन हो गया, फाइन. आपने स्टडी किया व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस. आपने स्टडी किया व्हाट इज क्वार्ड, डायमीटर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल. आपने स्टडी किया कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या है, दो सर्कल जिसका रेडियस इक्वल हो दे विल बी सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. आपने स्टडी किया कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू सर्कल उसके जिसके सेंटर कॉमन हो दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल. व्हाट इज इंटरसेक्टिंग सर्कल, टू सर्कल व्हिच आर इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सर्कल. फिर आपने 9th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा क्वार्ड के रिलेटेड आपने रिविजन किया,
दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, फिर आपने स्टडी किया कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, फिर आपने स्टडी किया इफ टू कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये आपका 9th स्टैंडर्ड का था जो आपको थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी था बिफोर यू प्रोसीड फॉर 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, अब 10th स्टैंडर्ड की क्या प्रॉपर्टी हम लेंगे। Now suppose if I give you one point here, if I give you two points here, and if I give you three points here, okay? ये अलग अलग प्लेन में है, समझो ये एक पॉइंट है तो आपको पूछू मैं इस एक पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं। ठीक है, आप एक सर्कल बनाओगे, आप दूसरा सर्कल बनाओगे, आप तीसरा सर्कल बनाओगे, आप चाहो तो कितने भी सर्कल बना सकते हो, चाहो तो कितने भी सर्कल बना सकते हो, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हुए। तो अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी सर्कल कैन पास, उस पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल कैन पास थ्रू वन पॉइंट। फिर आपको दो पॉइंट दिया हुआ है, इससे आप एक सर्कल बनाए, इससे आप एक सर्कल बनाए, इससे आप और एक सर्कल बनाए, इससे आप और एक बड़ा सर्कल बनाए, मतलब अगर आपको दो पॉइंट दिया हुआ है तो भी आपको आप इनफाइनाइटली मेनी सर्कल कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सेपरेट। ओके, तो कभी भी आगे ज्योमेट्री में आपके लिए टर्म यूज किया जाएगा डिस्टिंक्ट, तो रिमेंबर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन सेपरेट पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट दिया है तो इनफाइनाइटली मेनी सर्कल कैन पास थ्रू गिवन वन पॉइंट, इफ दो पॉइंट दिया हुआ है, दो सेपरेट पॉइंट दिए हुए हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी सर्कल कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये नॉलेज के तौर पे है, इसका कोई थ्योरम आपको पूछा नहीं जाएगा, पर प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आपको तीन पॉइंट दिए हैं तो मैं आपको बता दूं कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। तीन अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, तीन अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, तो तुम्हारे को उस तीन पॉइंट से वन एंड ओनली वन सर्कल, एक और सिर्फ एक सर्कल बन सकता है विच कैन पास थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट है, मैंने अगर थ्री कोलिनियर पॉइंट बना दिया, एक ही लाइन में बना दिया, ठीक है, तो इस थ्री कोलिनियर पॉइंट से आपके नो सर्कल पास, कोई सर्कल नहीं पास हो सकता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी सर्कल, दो पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी सर्कल, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से वन एंड ओनली वन सर्कल, थ्री कोलिनियर पॉइंट से कोई भी सर्कल नहीं पास हो सकता है। ठीक है, तो आपको बिफोर प्रोसीडिंग आपको तीन पॉइंट याद रहना चाहिए कि इनफाइनाइटली इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट, infinite circle can pass through two distinct points, one there is a unique circle, or there is unique bole to ek aur sirf ek, so there is a unique circle, one and only one circle which can pass through three non collinear points, and agar three collinear points hai to koi bhi circle nahi pass ho sakta hai three collinear points hai। clear hai, you remember this। now hum uske do aur property apne aapse sikhenge, apne study kiya tha रेडियस, आपने स्टडी किया था डायमीटर, आपने स्टडी किया था कॉर्ड, मैंने बोला था आपने स्टडी किया था 7th-8th स्टैंडर्ड में आपको था ज्योमेट्री के बुक में मैंने देखा था, पर आज उसको रिवाइज कर दे रहे हैं। आपको दो चीज है, फर्स्ट पार्ट इज सेकंड एंड सेकंड पार्ट इज टेंजेंट, सेकंड पार्ट इज टेंजेंट। ठीक है, आपका एक सर्कल है और सर्कल से पास करते हुए दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से, दो सेपरेट पॉइंट से एक लाइन जा रही है, देन दिस पर्टिकुलर लाइन विल बी कॉल्ड एज सेकंड। आपको बता दूं कि सेकंड इज अ लाइन एंड कॉर्ड इज अ सेगमेंट एंड कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द सेकंड। सेकंड एक लाइन होता है और कॉर्ड एक सेगमेंट होता है, सेकंड का मेजरमेंट नहीं हो सकता है, कॉर्ड का मेजरमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये सेकंड है जो टू पॉइंट से पास हो रही है, कॉर्ड है जो टू पॉइंट्स सर्कल के ऊपर रहते हैं वहां तक रहता है,
तो कॉर्ड जो है सेक्टर का एक हिस्सा है, क्लियर है। देन यू हैव टेंजेंट, अगर आपके पास एक सर्कल है और एक लाइन विच इज पासिंग थ्रू टचिंग द सर्कल इन वन एंड ओनली वन पॉइंट, टचिंग द सर्कल इन वन एंड ओनली वन पॉइंट, दैट पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज टेंजेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिफरेंस ध्यान में रखोगे, एक्चुअली व्हाट इज सेकंड, दिस पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज सेकंड, दिस पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज टेंजेंट। फाइन, क्लियर, ओके, दिस इज टेंजेंट, दिस इज सेकंड, फाइन। नाउ एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये सेंटर है, ठीक है, आपके टेक्सटबुक पे पेज नंबर 52 पे प्रॉपर्टी है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंट टू द सर्कल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए टेंजेंट टू द सर्कल, मतलब ये कि अगर यहां से ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ये रेडियस है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने एक परपेंडिकुलर बनाया, इसको एक परपेंडिकुलर बनाया, देन दैट पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज टेंजेंट। ठीक है, तो आगे जो आपको प्रूफ देना है, तो आप यहां पे ध्यान में रखो कि आपको लिखना क्या है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ओके, टेंजेंट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये एक स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, आगे कितना भी प्रॉब्लम्स आएंगे, कितना भी प्रूफ आएंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है, कितना भी लिखे आप तो चलेगा, यह आपको दिया हुआ है आपके टेक्सटबुक में दिया हुआ है, टेंजेंट थ्योरम दिया हुआ है, ओके, आपके टेक्सटबुक में दिया हुआ है टेंजेंट थ्योरम, तो आप उसको लिख सकते हो, कि टेंजेंट थ्योरम भी लिख सकते हो उसको, या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस भी लिख सकते हो, फाइन, क्लियर। तो ये एक प्रॉपर्टी भी आपने देख लिया कि सेकेंड क्या है, टेंजेंट क्या है, और टेंजेंट इज ऑलवेज perpendicular to the radius at its point of contact on the circle. Tangent is always perpendicular to radius at its point of contact on the circle. ठीक है? Now you have a very important theorem. Important theorem है आपको 3 marks के लिए, बहुत जाहिरी chances के हिसाब से, 80 chances के हिसाब से आ सकता है. Okay? So this theorem is tangent segment drawn from an exterior point to a circle are common. So tangent segment drawn from an exterior point. मतलब ये कि आपका ये exterior point है D. यहाँ से आपने एक tangent बनाया यहाँ तक, एक tangent यहाँ से बनाया. और यहाँ पर word क्या दिया हुआ है? Tangent segment. Tangent segment क्या है? Tangent एक अलग चीज है और tangent segment एक अलग चीज है. सेगमेंट बोले तो किसी भी चीज का पार्ट, हम यहाँ पे लाइन का जो टुकड़ा लेते हैं दैट इज लाइन सेगमेंट, पर उसको शॉर्टकट में लेने के लिए हम उसको सेगमेंट यूज करते हैं, सर्कल का भी एक टुकड़ा ले लिया था वो सेगमेंट हो जाता है, तो किसी भी बड़े चीज का एक टुकड़ा तोड़ा दैट इज कॉल्ड अ सेगमेंट। यहाँ पे आपकी ये जो टेंजेंट गई है, सपोज यहाँ पे ये आपका टेंजेंट हो गया, ये दूसरी लाइन बनाई है, ये लाइन बनाई, तो ये आपका टेंजेंट हो गया, तो टेंजेंट का एक पार्ट है, कितना पार्ट है? पीडी एक टुकड़ा है, क्यूडी एक पार्ट है, पीडी एक पार्ट है, जिसका मेजरमेंट हो सकता है, टेंजेंट का मेजरमेंट नहीं हो सकता है, बट टेंजेंट सेगमेंट का मेजरमेंट हो सकता है। टेंजेंट जो है एक लाइन है विच इज एक्सटेंडिंग इंडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शन, टेंजेंट सेगमेंट पी से चालू हुआ डी पे खत्म हो गया, डी से चालू हुआ पी पे खत्म हो गया, ठीक है, टेंजेंट सेगमेंट क्यू से चालू हुआ डी पे खत्म हो गया, डी से चालू हुआ क्यू पे खत्म हो गया, तो टेंजेंट सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ द टेंजेंट, क्लियर है, फाइन, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो हमको प्रूफ करने का कि यहां पे ये जो है पीडी,
PD is congruent to QD, ये प्रूव करने का है। PD is congruent to QD प्रूव करने का है, या सेगमेंट PD is congruent to सेगमेंट DP is congruent to सेगमेंट DQ, ठीक है ना। आपके टेक्सटबुक में दिया हुआ है, आप टेक्सटबुक को भी रिफर करते रह सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं यहाँ पे आपको एक दो ट्राइंगल दिख रहा है, ओके, इन ट्राइंगल PAD, इन ट्राइंगल PAD एंड QAD, इन ट्राइंगल PAD एंड ट्राइंगल QAD, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्राइंगल PAD एंड ट्राइंगल QAD, ट्राइंगल PAD एंड ट्राइंगल QAD, हम ये दोनों ट्राइंगल को कॉमन प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। नाउ पहला है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेगमेंट PA is congruent to segment, आपको fill in the blanks करने का है, segment PA is congruent to segment QA, Q segment PA is congruent to segment QA, क्योंकि radius है, radius का measurement सब same होता है, तो यहाँ पे आपका reason वहाँ पे दिया हुआ है, radii of the same circle, radii of same circle, रेडियाई रेडियस का प्लूरल है, रेडियाई रेडियस का प्लूरल है, फाइन, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर आपको दूसरा दिया हुआ सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD, सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD, ये कॉमन सेगमेंट है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहां पे कॉमन, दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन साइड हो गया, वो इसके लिए कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन साइड है, फाइन। और उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, एंगल APD, एंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQD, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQD इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, क्या दिया है आपको रीजन, क्या दिया, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम आपको दिया है, टेंजेंट थ्योरम क्या था, और टेंजेंट थ्योरम क्या था, द टेंजेंट रेडियस, द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यहां पे ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है, दिया था कि ये टेंजेंट है, ठीक है, इसके लिए APD और AQD दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, तो आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, और ये आपका एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, फाइन। तो अब आपका क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल PAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QAD, रीजन क्या हो गया, यहां पे SSA, मेरे ख्याल में ऐसा कोई मेजर वो नहीं है, यहाँ पे ASS एस डॉकिंग का भी मेजरमेंट कुछ नहीं है, पर आपके दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज बन जाता है, तो आपका एक है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ओके, तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट के हिसाब से वो कॉमन हो जाता है, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से कॉमन हो जाता है, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से वो कॉमन हो जाता है, क्लियर है, तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पता है कि करस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर सेगमेंट साइड DP इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, साइड DP इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DQ, करस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वहां पर टेक्सटबुक में आपको दिया नहीं है, आपको डायरेक्ट सेगमेंट दिया हुआ है, पर ऐसा लिखेंगे हम, साइड DP इज कॉमन टू साइड DQ, देयरफॉर सेगमेंट DP इज कॉमन टू सेगमेंट DQ, ओके, देयरफॉर सेगमेंट DP इज कॉमन टू सेगमेंट DQ, तो हमने ये थ्योरम प्रूव कर दिया, देयरफॉर द टू टेंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर कॉमन, टू टेंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर कॉमन, इज दिस क्लियर टू यू,
नाउ बिफोर आई प्रोसीड एक थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि आपको टेंजेंट सिखाया गया तो आपका एक सर्कल है जो पॉइंट इंटीरियर ऑफ द सर्कल है, एक सर्कल है जो पॉइंट ऑन द सर्कल है, और एक सर्कल है जो पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, आपके पास तीन सर्कल है, एक पॉइंट जो है इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल है, एक पॉइंट जो है ऑन द सर्कल है, और एक पॉइंट जो है इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट से आप कितने टेंजेंट बना सकते हैं उस सर्कल, तो मैं बता दूं आपको कि ये पर्टिकुलर पॉइंट से आप कोई भी सर्कल नहीं बना सकते। ओके, व्हेन द पॉइंट इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सर्कल, व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सर्कल तो आप सिर्फ वन एंड ओनली वन टेंजेंट बना सकते हो। ओके, वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सर्कल। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं आपने सीखा है इसको कि किस तरह एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया सर्कल पे तो उससे कैसे टेंजेंट बना सकते हो, और यहाँ पे जब आपके एक्सटीरियर में दिया हुआ है, बाहर दिया हुआ है सर्कल के, तो आप दो टेंजेंट बना सकते हो, आप दो टेंजेंट बना सकते हो। ओके, तो ये प्रॉपर्टी याद रखो कि अगर आपका पॉइंट इन द सर्कल है तो यू कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट, व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सर्कल देन यू कैन ड्रॉ वन एंड ओनली वन टेंजेंट, एंड व्हेन द पॉइंट इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल यू कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गिवन पॉइंट। नाउ कमिंग टू प्रैक्टिस सेट 3.1, you have the first question. First question is, in the adjoining figure the radius of a circle with center C is 6 cm, line AB is tangent at x. आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। ओके, डायग्राम आपके सामने है। फाइन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB? ठीक है, आपके सामने दिख रहा है, फिर भी आपके लिए थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना दूं आपको। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका टेंजेंट है, सेकंड बन गया हो, टेंजेंट बनाएंगे, मान के चलो ये सेकंड है। ओके, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। ना मैं आपको बता दिया था, ये आप ज्वाइन करोगे तो सी ए जो रेडियस है और ए बी जो टेंजेंट है ना, एंड टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। और आपका जो टेक्सटबुक क्या बोलता है, टेक्सटबुक आपको वो थ्योरम को क्या बोलता है, टेंजेंट थ्योरम बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन था आपका व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। फाइन, तो यह CA is the radius, AB is the tangent, therefore CA is perpendicular to AB, CA is the radius, AB is the tangent, therefore CA is perpendicular to AB, reason tangent theorem, tangent थ्योरम। ठीक है, देयरफॉर जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 degrees। दिस विल बी ऑफ पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन। फिर उसके बाद पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। नाउ सेकेंड पार्ट, सी ए is the radius, therefore distance CA, distance कभी भी लिखो तो C और A के बीच में कॉमा डालना करो, distance CA is equal to 6 cm, क्यों 6 cm given है। okay, given है, तो इसके लिए क्या हो गया वो, therefore distance of point C, therefore distance of point
सी फ्रॉम लाइन ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ठीक है. देन यू हैव द थर्ड क्वेश्चन. इफ डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 6, आपका ए बी 6 दिया हुआ है, आपका ए बी 6 दिया हुआ है, तो आपको बी सी फाइंड आउट करने का है, आपको बी सी फाइंड आउट करने का है, आपको बी सी फाइंड आउट करने का है. ठीक है, फाइन. सो वी प्रोसीड नाउ. ये आपके पास ट्राइंगल है. इन ट्राइंगल सी ए बी एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. एक बार ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाता है. देयरफॉर बी सी स्क्वायर, बी सी आपका हाइपोटेन्यूस होगा. ठीक है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख दो फुल फॉर्म में पाइथागोरस थ्योरम. फाइन, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC, आपको 6 तो ऑलरेडी दिया था, AB आपको 6 स्क्वायर दिया था. ठीक है, देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू 6 स्क्वायर. ओके, या 2 6 स्क्वायर, BC इज इक्वल टू 2 6 स्क्वायर हो गया. फाइन, फिर आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स, आपका BC स्क्वायर रूट हो जाएगा, रूट टू का रूट टू हो जाएगा और ये इंटू 6 हो जाएगा. ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 6√2 सेंटीमीटर. आपका बी सी जो है 6√2 सेंटीमीटर आ जाएगा. इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करके भी लिख सकते हो, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 72. ठीक है, 72 को आप फिर बाद में आपने ये आपका 72 हो गया. देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू आपका 2√ आपका 6√2 हो जाएगा, बी सी आपका 6√2 हो जाएगा. ठीक है, देन यू हैव व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी वाई. अब आपको फाइनली यहाँ पे आपको जानना, ये आपका हो गया, आप देख लो, मैं आपको अगला सॉल्यूशन देखा था, आपको ए बी सी फाइंड आउट करने का है. ओके, यहां पे आपको एंगल एबीसी ढूंढना है. तो यहां पे इन आपका फोर्थ पार्ट था इसका, फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एबीसी. नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एबी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस ट्राइंगल. एक्चुअली हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ट्राइंगल लिखे ना, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस, हमने बता दिया कि कैसा है वो, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं रहती. आइसोसेलस ट्राइंगल पर आपके टेक्सटबुक भी लिखते हैं, तो इसके लिए लिखा जाता है ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस ट्राइंगल. फाइन, ट्राइंगल एबीसी आपका आइसोसेलस ट्राइंगल हो गया. तो अब क्या होगा, देयरफॉर एंगल, ये ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलस हो गया ना, देयरफॉर एंगल एसीबी इज इक्वल टू एंगल एबीसी, एंगल एसीबी इज इक्वल टू एंगल एबीसी. यहां पे क्या होगा आपका, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल. फाइन, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल बीएसी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करने का, एबीसी फाइंड आउट करने का, और एसीबी इज इक्वल टू एबीसी है, यहां का वन है. ठीक है, देयरफॉर
एंगल एबीसी प्लस एसीबी जो है एंगल एबीसी के बराबर है, प्लस एंगल बीएसी ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि वो 90 डिग्री है, वो हमारा कंटिन्यूटी सम है, जो आपने नंबर दिया वो नंबर डाल देंगे आप, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 2 एंगल एबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा 2 एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, एंगल एबीसी इज इक्वल टू therefore angle abc is equal to 45 degree, therefore angle abc is equal to 45 degree, okay, that was your first one. Now we have the second question. In the adjoining figure O is the center of the circle, point from point R, segment RM and segment RN are tangents, segment touching the circle at MN and if OR is equal to 10, OR is equal to 10 centimeter and radius of the circle is 5 centimeter, radius of the circle is 5 centimeter, ठीक है, 5 and 5. Then what is the length of each tangent segment, ठीक है, what is the length of each tangent segment, ठीक है, यहाँ पे भी एक construction करेंगे जो आपके textbook में नहीं दिया हुआ है, construction draw segment OM and segment ON, draw segment OM and segment ON, अब ये दोनों segment draw करे हुए, ठीक है, now you have ये बना दिया आपने, अब पहला यहाँ पे आपका second वाले का first question, okay, second वाले का first question, what is the length of each tangent segment, now you have OM is perpendicular to MR, OM is perpendicular to MR, kyun tangent theorem jo hum already karke aa chuke hain, theek hai, fine, jo hum already karke aa chuke hain, OM is equal to MR, therefore yahan pe likho tangent, ठीक है, therefore angle OMR is equal to 90 degree, ये आपका 90 degree हो गया, now in right angle triangle, triangle OMR, in triangle OMR आपका angle है 90 degree है, therefore OR square is equal to OM square plus MR square, OR square is equal to OM square plus MR square, reason क्या है, full form में लिखना Pythagoras theorem, you have OR जो आपको दिया हुआ है 10 square दिया हुआ है, OM जो दिया हुआ है आपको 5 square दिया हुआ है plus MR square, this will be 100 is equal to 25 plus MR square, therefore MR square is equal to 100 minus 25, therefore MR square is equal to 75, आप उसको taking square root करोगे तो MR is equal to square root of 25 into 3, आप उसको स्क्वायर रूट करोगे तो MR इक्वल टू 25 टू 3, देयरफॉर MR इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, देयरफॉर लेंथ ऑफ, अभी आपको तो ऑलरेडी एक थ्योरम प्रूव किया गया था, ओके, कि टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल आर कॉन्गरुएंट, ठीक है, तो यहां पे आपको लिखने का है, therefore MR is equal to NR is equal to 5√3 centimeter, वो आपका perpendicular जो आता है उसके लिए आप लिखते हो tangent theorem, okay, perpendicular जो आता है उसके लिए आप लिखते हो tangent theorem,
यहाँ पे आप प्रूफ करते हो दोनों इक्वल है तो आपको लिखो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। परपेंडिकुलर का जो प्रूफ करते हो राइट दैट इज टेंजेंट थ्योरम, और आप टेंजेंट जो आउटसाइड टेंजेंट है, जो टेंजेंट सेगमेंट इक्विडिस्टेंस है जो आप बता रहे हो राइट दैट इज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। पार्ट टू ऑफ द क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ। आपने प्रूफ कर दिया कि दोनों टेंजेंट सेगमेंट इक्वल है, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज एंगल एम आर ओ। ये पार्ट टू ऑफ द क्वेश्चन, एंगल एम आर ओ हमको फाइंड आउट करने का, एंगल एम आर ओ फाइंड आउट करने का। ये आपका फाइव दिया हुआ है, ये आपका टेन दिया हुआ है, ठीक है। नाउ ये आपको कितना मिला था, फाइव रूट, ये आपको फाइव रूट थ्री मिला था, फाइन। नाउ ये आपको, ये आपका हाइपोटेन्यूस है और ये आपका इसका ऑपोजिट साइड है, ओके। ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये इसका ऑपोजिट साइड है, फाइन। नाउ एंगल एम आर ओ कौन सा दिया हुआ है, एंगल एम आर ओ ही दिया हुआ है ना, फाइन। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे इन ट्राइंगल एम आर ओ, इन ट्राइंगल एम आर ओ एंगल एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, रीजन टेंजेंट थ्योरम, एंगल ओएमआर इक्वल टू 90 डिग्रीज, टेंजेंट थ्योरम लिखो। या मैंने पिछला जो सम प्रूफ किया है वहां पे कोई नंबर दिया हो गया तो नंबर दे सकते हो, ये आपका टेंजेंट थ्योरम है। एंगल ओएमआर इक्वल टू 90 डिग्रीज लिखा तुमने, ऑल्सो ओएम, ऑल्सो ओएम, दिस ओएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ OR, okay? Also OM is equal to half of OR. ये already measurement दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, given दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे एक right angle triangle है, और एक side जो है hypotenuse का half है, याद करो आपका 30-60-90 theorem. In a 30-60-90 triangle, the side opposite to 30 degrees is half of hypotenuse. In a 30-60-90 triangle, the side opposite to 30 degrees is half of hypotenuse. तो यहाँ भी आपका 90 degrees का theorem है, 90 degrees का triangle है, उसमें एक side जो angle पूछा है, उसका opposite side half of hypotenuse है. Therefore, this angle will be converse of 30-60-90 theorem के सबसे. Okay, therefore this angle will be, therefore angle MRO will be 30 degrees, reason hoga converse of 30-60-90 theorem, okay, that will be MRO is equal to 30 degrees, that will be converse of 30-60-90 theorem, clear hai? फिर आपको एम आर ओ मिल गया, फाइन। उसके बाद आपको फाइंड आउट करने का एम आर एन, ओके। एम आर एन फाइंड आउट करने का, फिर आपका थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट आपको एम आर एन फाइंड आउट करने ना। यहाँ पे आप लेंथी प्रोसीजर, तो आपको दोनों ट्राइंगल को वापस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, बट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। एंगल एम आर एन, एंगल एम आर एन फाइंड आउट करने का है, ओके। एंगल एम आर एन इज इक्वल टू एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ, एंगल एम आर एन इज इक्वल टू सो एंड सो, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, एंगल एम आर ओ कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल एन आर ओ भी 30 डिग्री होगा, प्लस 30 डिग्री, ओके।
therefore angle MRN will be equal to 60 degrees. आप एक स्टेप ले सकते हो यहाँ पे, दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करके, दोनों ट्रायंगल को कोसाइन प्रूफ करके, पिछले समय मैंने आपको प्रूफ करके बताया था, या हमने टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट का थ्योरम किया था, उसमें आपको प्रूफ करके दिखाया था कि किस तरह ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्लियर है, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो MRN जो है विल बी इक्वल टू MRO प्लस NRO दैट इज 30 प्लस 30, तो एंगल MRN इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3, इट इज गिवन दैट सेगमेंट RM and segment RN are tangent segments of a circle with center O. Prove that segment OR bisects angle MRN as well as MON. Okay? Segment OR जो है MRN को भी और MON को भी bisect कर रहा है। ये हम कर चुके हैं एक बार, तो उसको फिर भी revise करेंगे। ये दोनों triangle हम common prove करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो पहले हम ले लेते हैं OM is the radius and MR is the tangent. Therefore, OM is perpendicular to MR. Tangent theorem, ठीक है? Tangent theorem. Therefore, angle OMR is equal to 90 degrees. Similarly, angle ONR is equal to 90 degrees. Okay, fine. ये हम लिख दें इसको, वन लिख देते हैं। तो ये मेरा 90 degrees हो गया, ये मेरा 90 degrees हो गया, ठीक है? Now we proceed further. In triangle OMR and triangle ONR. Angle OMR is equal to angle ONR is equal to 90 degrees from one. Angle OMR is equal to angle ONR is equal to 90 degrees from one. We have side OM is congruent to side OM. Radii of same circle. We have OR. Actually, we can go by SSS test also. Okay? I did थोड़ा सा lengthy process कर दिया था मैं इसको। मैं इसको आपको समझा देती हूँ। ये method आपने किया था prove करने के लिए कि tangent segments congruent है। हम थोड़ा नए method से लेते हैं उसको, ठीक है? Now ये आपको दिया हुआ है। तो आप proceed करो in triangle. In triangle OMR and triangle ONR, fine, you have side OM is congruent to side ON, reason, radii of same circle, you have side OR is congruent to side OR, common side, you have side MR is congruent to side NR, यहां पे आपका टेंजेंट सेगमेंट
थ्योरम आया था। आप ऑलरेडी ये थ्योरम कर चुके हो, उतना ही आप थ्योरम का अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल OMR इज कॉन्गुएंट टू ट्राइंगल ONR SSS टेस्ट ऑफ कॉन्गुएंस, SS टेस्ट ऑफ कॉन्गुएंट ट्राइंगल्स या कॉन्गुएंस। फाइन, आपने प्रूफ कर दिया, नाउ ऑटोमेटिकली सब हो जाता है। देयरफॉर एंगल MRO इज इक्वल टू एंगल NRO एंड एंगल MOR इज इक्वल टू एंगल NOR इज इक्वल टू एंगल NOR। ओके, corresponding angles of congruent triangles। ओके, तो ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। देयरफॉर जो तुमको प्रूव करने का था वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। देयरफॉर सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN एज वेल एज सेगमेंट MON, सॉरी, एज वेल एज एंगल MRN एज वेल एज एंगल MON। क्लियर है? फाइन, लास्ट ऑफ दिस लेक्चर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है और एक टेंजेंट इधर है और एक दूसरा टेंजेंट पैरेलल है। ये दो टेंजेंट दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम अगर ये समझो इसका सेंटर O है, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इसका सेंटर O है, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये 90 डिग्री हो जाता है, ये 90 डिग्री हो जाता है। हमको क्या बताना है, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस भी बताना है और जस्टिफाई भी करना है, सिर्फ ओरली बताना नहीं है। हम बता देंगे ये 4.5 है, ये 4.5 है, तो ये 9 हो गया, हम बता देंगे, ओरली बता देंगे, ऐसा नहीं, हमको प्रॉपरली रीजन से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो हमने, मैंने इसको मार्क कर दिया हूँ, ये आपका, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका लाइन L है, ये लाइन टेंजेंट M है, ये टेंजेंट L है। फाइन, नाउ हाउ विल यू प्रोसीड, यू हैव सेगमेंट OP, ये रेडियस है, इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। रीजन क्या है, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। ऑल्सो सेगमेंट OQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन M, इज परपेंडिकुलर टू लाइन M, ये भी टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। हमने ये परपेंडिकुलर बता दिया रीजनिंग के साथ, बता दिया जो रीजन बताना था हमको, प्रूफ करने का, जस्टिफाई का आंसर प्रूफ करने का। ओके, फाइन, नाउ ऑल्सो क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो लाइन L, लाइन L आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, व्हाट इज द डिस्टेंस, पैरेलल है, ऑलरेडी पैरेलल दिया हुआ है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, परपेंडिकुलर भी हो गया तो इंटीरियर एंगल के हिसाब से वो प्रूव हो गया कि वो पैरेलल है। फाइन, तो अब ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है। देयरफॉर ए ओ बी कोलिनियर हो जाते हैं, therefore A O B तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो जाते हैं, ठीक है। therefore AB is equal to AO plus OB, therefore A, यहाँ पे A कहाँ है, यहाँ पे P है, P and Q, okay, P O Q हो गया, तो you have therefore PQ
ये पूरा पी क्यू इज इक्वल टू पी ओ प्लस ओ क्यू, पूरा पी क्यू इज इक्वल टू पी ओ प्लस ओ क्यू। यहाँ पे मेजर है आपका 4.5 प्लस 4.5, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, हाँ 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू टैंजेंट्स विल बी 9 सेंटीमीटर, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू टैंजेंट्स विल बी 9 सेंटीमीटर।